की जनता को, देश के नौजवानों को, देश के मेहनत करने वालों को रोजी रोटी मुहैया कराए। रोटी, कपड़ा और मकान, यह तीन चीज जो आदमी के जीने के लिए बुनियादी चीज है, जो सरकार यह मुहैया नहीं करा सकती है, वैसे सरकार को देश में राज करने का कोई अधिकार नहीं है जो रोटी, रोजी और कपड़ा ना दे। लेकिन यह सरकार हमें रोजी तो नहीं दिया, हमारे रोटी का इंतजाम नहीं किया, हमारे जीने का कोई इंतजाम नहीं किया, तो हम अपने तरफ से किसी तरह से कोई गहना बेचकर, कोई जमीन बेचकर 500 हजार 2000 रुपए का इंतजाम करके छोटा कारोबार शुरू करते हैं। गलियों में घूम घूम कर, सड़कों पर बैठकर दिन रात परिवार के साथ अपनी जीविका चलाने के लिए हॉकर का काम करते हैं, उसके बाद भी हमको जीने का हक नहीं देता और अपने अमलो फायदा के माध्यम से हमको उजारा जाता है समय समय पर। आपका नेशनल हॉकर फेडरेशन पूरे देश में संघर्ष करते रहा, हम लोग भी संघर्ष करते रहे। हमारे झारखंड के साथी आए हैं, मैं मिला नहीं, संजोग से मैं भी झारखंड से आता हूं और हमको याद है कि झारखंड में बोकारो स्टील सिटी एक जगह है जहां खुदरा दुकानदारों का, हॉकर्स लोगों का मैंने संगठन बनाया था और वो संगठन बना, काफी लड़ाइयां लड़ी गई, उनको बसाया गया और जब बचकर वह कारोबार करने लगे तब तक बड़ा कारोबारी आ गया कि यहाँ हमको मॉल बनाना है, उजारेंगे। और वह उजारने के लिए पुलिस आई, सिक्योरिटी आए और हम लोग भी इकट्ठा हुए। वह लोग लाठी डंडा लेकर आया, हम लोग अपने अपने छोटे दुकानों से मिर्ची का पाउडर लेकर जब आंख में मारना शुरू किया तो सारे पुलिस वाले सारे लोग भाग चले, वहां टिक नहीं सके। हमको याद है वह दुकानों की घटना और आज भी वह धुंधी बाल हटिया उस छाती पर भर के है, वह चल रहा है बोकारों का वह शाम। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जीना चाहते हैं और यह जीने की लड़ाई है। संविधान में हमको अधिकार है कि हमको जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार कोई अगर छीनना चाहता है, उस जीने के जीवन जीने के जो अधिकार छीनना चाहेगा उसका हम सीधा मुकाबला करेंगे। हम यह मानते हैं कुहक कुहक के मरना क्या। हमारे कवि जी थे मथुरा प्रसाद नवीन, उन्होंने कहा कि कुहक कुहक के मरना क्या है, मरना है तो लड़के मर जा। इस सिद्धांत के तहत हम लड़ाई लड़के मरेंगे, हम सड़क पर भूखे रहकर नहीं मरेंगे, इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, बड़ी अजीब स्थिति है हमारे देश में, 28 राज्यों में आपका नेशनल हॉकर फेडरेशन का संगठन है और 28 राज्यों में लगभग 20-25 करोड़ आबादी है जो हॉकर के परिवार से जिंदा रहता है। एक परिवार में 4-5 लोग हैं, उन हॉकर को क्या स्थिति पैदा कर दिया। उन हॉकर को एक तो रोज तंग करता है तहसीलदार, बीट वाला पुलिस। हम कमाई करते हैं अगर दिन भर में पूरा परिवार मिलकर 200 रुपया तो 50 रुपया 100 रुपया रोज ले लेता है, दया कृपा करता है हम पर। वहां से शुरू होता है और उसके बाद में जरूरत पड़ने पर हमको जो भी झोपड़ी बना देते हैं, टेंट बना देते हैं, ठेला रखते हैं, उसको भी तोड़ दिया जाता है, यही स्थिति पैदा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? इस पर भी विचार करने की जरूरत है और यह विचार करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप जिसको वोट देकर गद्दी में भेजते हो, आपका वोट लेकर, वोट हमारा और राज दूसरे का, वोट हमारा लेकर आता है और दूसरे का नौकर बन के वह काम करता है। कैसे? क्योंकि पैसे के अभियान से जो चुनाव अभियान चलते हैं, विदेशी कंपनी देसी कंपनियों के पैसे लेकर जो चुनाव अभियान में जीत कर आता है वह हमारा नहीं, सत्ता में जाने का बाद उसका हो जाता है। अभी ई कॉमर्स की बात आप कह रहे हैं, आज स्थिति क्या है हमारे देश में? खुदरा तो कारोबार था जो देश के करोड़ों लोग इस कारोबार को कर जीते, लेकिन खुदरा कारोबार में अमेरिका का वॉलमार्ट आ रहा है,
दुनिया की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ रही है, खुदरा क्षेत्र में ई कॉमर्स आ रहा है, घर घर लोगों को सामान पहुंचाने वाला। और यह कौन कानून बना रहा है? यह कानून हमारे पार्लियामेंट में बैठकर, अभी वर्तमान में मोदी हुकूमत हो या इसके पहले हुकूमत थी, लेकिन अभी मोदी हुकूमत में सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियों को न्योता दिया जा रहा है। हमारे दिल्ली में याद है, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लोग सीलिंग के खिलाफ में। वह सीलिंग क्या है? वह कहा जाता है आवासीय क्षेत्र में दुकान नहीं चलेगा। कहे भाई, अगर हर जगह दुकान रहेगा तो बालमार्ट के मॉल में कौन जाएगा? इसलिए मॉल उनका चले, जगह जगह जो मॉल खुल रहे हैं अरबपतियों खरबपतियों के, उस मॉल को चलाने के लिए हम पर हमला होते हैं, हमारे हॉकर पर हमला होता है, छोटे छोटे दुकानदारों पर हमला होता है। इस हमला से निपटने के लिए सरकार की नीतियों के बारे में भी आपको सोचना होगा। हमारे देश में अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। आज जब आप यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, देश में एक बड़ी अजीब माहौल है। हमारे सैनिक, हमारे सैन्य बल के लोग अभी हाल में पुलवामा में कुर्बानी दिया है, पूरा देश मर्माहत है, पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन उसके बाद में अभी युद्ध का वातावरण बन गया है। यह युद्ध का वातावरण है, आतंकवादियों के खिलाफ हम लड़ेंगे। युद्धवादी कोई भी हो, अगर पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षण देता है, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे, युद्ध के स्तर पर भी लड़ेंगे। लेकिन पूरी जनता गड़बड़ नहीं होती। आज स्थिति है, हम गए, हमला हुआ विमान से, वो भी हमला किया, युद्ध का वातावरण है जिसमें अरबों खरब रुपए दोनों देश के खर्च हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जो कल चुनाव होने वाला है, हम यह नहीं कह रहे, लेकिन आज ही से, आज सुबह सुबह टीवी में देखा कि सारा देश का विपक्षी पार्टी, सारे देश के राजनीतिक दल के लोग, देश की एक एक 125 करोड़ जनता हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, सैन्य बल के साथ खड़ा है। फिर भी सत्ता वाले लोग बयानबाजी शुरू कर दिया है विपक्ष के खिलाफ, आज टीवी में हमने देखा है। और एक तरफ सेना के लोग कुर्बानी दे रहा है, और दूसरे तरफ आज मोदी जी का बूथ मीटिंग का प्रोग्राम है, आज बूथ मीटिंग कर रहे हैं जब सारे दोस्त सेना के साथ है। हम यह इस बात ये कहना चाहते हैं, आपको विचार करना पड़ेगा, या सप्ताह में आए थे क्या कहकर हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, यह कहकर के आए थे अच्छे दिन आएंगे, यह कह के आए थे महंगाई खत्म होगी, यह कह के आए थे भ्रष्टाचार खत्म होगा, यह कह के आए थे खुशहाली आएगी, यह कह के आए थे आरडीएक्स कहां से आता है, सीमा पर कौन पहरादारी कर रहा है, यह सारा चीज कहकर आए। और आज एक काम भी वह नहीं किया, और हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। किया क्या? अच्छा दिन लाया, किसका? अंबानी का। दुनिया के सबसे बड़े धनी लोगों में 6ठा स्थान उसका हो गया कल के खबर के मुताबिक। यह अदानी के लिए, अंबानी के लिए, आप एक तरफ हमारा सेना युद्ध लड़ रहा है, कुर्बानी दे रहा है, और हमारे देश के 6 जो हवाई अड्डे हैं वह 50 साल के लिए अदानी को लीज पर दे दिया है मोदी जाते जाते। 50 साल के लिए हम 5 गज जमीन का टुकड़ा चाहते हैं कि हमको रोजी चलाने के लिए दो, तो हम पर डंडा बरसाता है। और देश का 6 हवाई अड्डा एक दिन में 50 साल के लिए अदानी कंपनी को दे दिया, जिसके हवाई जहाज पर चढ़कर पिछली बार यह चुनाव अभियान चलाया था। इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। अभी कल परसों की बात है, आप देखेंगे। आज देश में स्थिति यह है कि जो हुकूमत है, संविधान खतरे में है। अभी तक तो चुनाव होता है, चुनाव में हम बदलने की बात करते हैं। अगर गलती से खुदा ने खास्ते एक बार और आ गया, यह चुनाव भी खत्म कर देगा। संविधान खत्म कर रहा है, सीबीआई को खत्म कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया, ईडी को खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को धमका कर फैसला अपने पक्ष में कराता है। और जो जज नहीं मानता है,
लोया जैसे जज की हत्या करा देता है, ऐसी हुकूमत सत्ता में बैठी है, इसके बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा भाई। इसलिए आपको मालूम है अमित शाह का केस देखने वाले जज की कैसे लोया की हत्या करवाई गई और उसका जांच भी नहीं करवाया जा रहा है। आप कहिएगा हम तो हॉकर लोग आए हैं यहां मांग मारने, कानून लागू करने की बात करने, और आप लोया की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तो सांस लेते हैं, हम अपने इलाके में मोहल्ले में तो हमारे डंडे बरसाए जाते हैं। अभी तो सुना ना कि बड़ी लड़ाई के बाद 14 में हमने कानून बनवा लिया, हॉकर्स लोगों के लिए वेंडिंग कमेटी होगी, वेंडर कमेटी के माध्यम से लिस्ट बनेगा, उनको अस्थाई बसाया जाएगा, उनको कोई नहीं उजाड़ सकता है। ये हम कानून बनवाए, अब वो कानून बदलने जा रहा है, वह कानून भी बदलने की कोशिश हो रही है। इसी तरह से शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम है, उस अधिनियम में बदलाव कर दिया। पहले दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में एक तरीका था कि वह इतना बजे से इतना बजे तक खुला रहेगा, और मॉल के लिए 24 घंटा मॉल खुला रहेगा, वह महिलाएं 24 घंटा काम करेगी। यानी आपको मौका ही नहीं मिलेगा जब 24 घंटा लोगों को सामान मिलेगा, हर जगह मॉल में आपका कौन सामान खरीदेगा? इस तरह से कानून बदले जा रहे हैं। हम आप साथियों से कहना चाहते हैं, आप जिस इलाके से आए हैं, आपका अधिकार तभी अक्षुण्ण रह सकता है जब नीत बनाने वाला, कानून बनाने वाला आपका पक्षधर हो। संजोग से आप में हर तरह के लोग होंगे, हमारे हिंदुस्तान में तो कहानी है बहुत ज्यादा, इतिहास में लिखा हुआ, और वह कहानियां हैं कि किस तरह भेष बदलकर ठगे जाते रहे हैं। यहां राम का नाम लेने वाले लोग, जो सीता मैया है, वह सीता मैया का हरण कैसे भेष बदलकर साधु बनकर रावण कर लेते रहा है, आपको मालूम है। इसी तरह भेष बदलकर 14 में जीत कर आया, भेष बदलकर 14 में जीत कर आया, सारा चीज अच्छा कर देंगे, अच्छा दिल ला देंगे, लेकिन 4.5 साल में जब कुछ नहीं किया, ला दिया नोटबंदी। उस नोटबंदी में हमारी दुल्हन लो जो छिपा करके पति से मैके से लाई हुई पैसा छिपा के भी रखी थी, उसको भी निकाल करके बैंक में जमा करवा लिया, ऐसा कर दिया, 1 रुपए भी घर में रहने नहीं दिया, और 2 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीन लिया। यह नोटबंदी में किया, शुरू शुरू में तो अच्छा लगा, काला धन ला रहा है, काला धन 1 रुपया नहीं आया, लेकिन काला धन का कारोबार करने वाला इनका रक्षा सलाहकार डाफोर, जो डोभाल है वो सुन रहे हैं अभी, डोभाल रक्षा सलाहकार, डोभाल का बेटा विदेश में काले धन का कारोबार करता है और देश से कैसे लूट रहा है देश को, सोशल मीडिया में खबरें आई है। साथियों हम कहना चाहते हैं, जो सरकार अभी सत्ता में आई है वह मजदूरों की दुश्मन है। सबसे ज्यादा हमला मजदूरों पर इस दौर में हुआ है, किसानों पर हुआ है। किसान और मजदूर के पक्ष में जितने कानून 70 साल में बने थे, उन सारे कानूनों को खत्म किया जा रहा है। भूमि का कानून खत्म किया गया, सारे देश के किसान फिरे, मजबूर होकर थूक चाटना पड़ा। हमारा पीएफ का पैसा, जो मजदूर अपना गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करता है, उसका हजारों लाखों करोड़ रुपया डुबा दिया गया शेयर बाजार में लगा करके। और उसके खिलाफ जब बंगलोर की महिला सड़क पर उतर गई थी गार्डन की, तो उनको वापस लेना पड़ा था। आपको भी मैदान में आना पड़ेगा। हॉकर्स भाइयों, बड़ी दुर्दिन है, बड़ी दुर्दिन का समय है। ऐसे शक्तियों से पाला पड़ा है जिसको हर बात में कहता है हम राष्ट्र प्रेमी है। राष्ट्र क्या होता है? भारत माता की जय करने वाले वो लोग हैं। भारत माता कौन है, देखा है किसी ने? भारत माता यह हॉकर्स परिवार के लोग हैं, भारत माता इस देश के किसान परिवार के लोग हैं, भारत माता मजदूर परिवार के लोग हैं। देश में रहने वाली जो जनता है वही भारत माता है। अगर उसका जय नहीं होता है तो फोटो वाले भारत माता से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। यह बेईमान लोग फोटो का जय जयकार करके असली भारत माता पर सुबह शाम 24 घंटा हमला कर रहा है। उस हमलावर को सबक सिखाने के लिए भी आपको मैदान में उतरना होगा। आप आए हैं, हमारे शक्तिमान घोष गए हैं मांग पत्र देने, लेकिन मांग पत्र देकर आवेंगे
आपसे हम तीन बात कहना चाहेंगे। पहली बात तो है कि कभी हम दया पर किसी का जिंदा नहीं है, हम एक आदमी है, हम इंसान की तरह जीना चाहते हैं, हम मानव की तरह जीना चाहते हैं, और मानव का अधिकार है जीने का अधिकार, और हमारे जीने का अधिकार कोई छीनता है तो उस पर हम भी हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस संकल्प के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इस संकल्प के साथ में आपको फिरना पड़ेगा।